भद्रकाली महाविद्यालय इटखोरी में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना के इकाई एक एवं इकाई दो के कार्यक्रम अधिकारी के दिशा निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दुलार हजाम के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने विवेकानंद के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला। छात्र छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए विवेकानंद को युवा शक्ति का प्रतीक बताया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर दुलार हजाम ने विवेकानंद के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विवेकानंद का जीवन आदर्श युगों युगों तक भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। युगों युगों तक राष्ट्र के युवा वर्ग का सच्चा प्रतिनिधित्व एवं मार्गदर्शन करने में विवेकानंद जी के विचार हमेशा भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। अन्य वक्ताओं ने विवेकानंद को युग दृष्टा एवं युग श्रेष्ठ भारतीय महानायक बताया। इस अवसर पर प्रोफेसर श्याम सुंदर प्रसाद, प्रोफेसर सिकंदर मिस्त्री, प्रोफेसर महेंद्र ठाकुर, प्रोफेसर मंसूर आलम फकरी, प्रोफेसर पंकज कुमार, प्रोफेसर ललित मोहन चौधरी, प्रोफेसर लीलू रानी, प्रोफेसर जानकी प्रसाद दांगी, प्रोफेसर धीरेन्द्र यादव समेत सैकड़ों छात्र छात्राएं एवं शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित थे। इटखोरी से अखिलेश पांडे की रिपोर्ट। उन्होंने यह कहा कि मानव ही सबसे श्रेष्ठ प्राणी है और सबसे श्रेष्ठ प्राणी है सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाला, सबसे तीव्र बुद्धि वाला है जो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल का रिकॉर्ड अभी तक तोड़ नहीं पाया है। उनके गुरु ने बोला कि आप सभी उनके शिष्य आए और सभी बारी बारी से मछली को तीर लगाने लगे। किसी ने कहा कि मैं पैर देख रहा हूं, किसी ने कहा मैं तो है अर्जुन मछली के केवल आंख देख रहा हूं, आंख के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है दुनिया में। और वह जब अपना निशाना लगाता है तो मछली के आंख में लग जाता है। और उसी प्रकार से होता है कि निशाने में सबसे तेज अर्जुन के नाम से जाने जाने वाले, जो आज तक उनका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ध्यान केंद्रित आप अर्जुन की तरह रहे, तभी आप जो है ईश्वर पर जो है प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर को आप देख सकते हैं। आप यह जानते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा है। ये आप जानते हैं, कबीरदास ये बोले हैं कि न मैं मंदिर, न मैं मस्जिद, न काशी कैलाश में, हम तो रही हो शहर के बाहर, हर श्वासों के श्वास में, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव के बीच में, प्रत्येक जीव, चाहे वह हाथी हो, मनुष्य हो, चींटी हो, प्रत्येक जीव में ईश्वर वास है। उसको देखने की आवश्यकता है, उसको जो है केंद्रित करने की आवश्यकता है, उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आप अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, आपको साक्षात ईश्वर अपने आप में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद या जो भारतीय वे लोग, पूरे विश्व के लोग वहां आए हुए थे, उनको धोती और ये कुर्ता देख करके लोग हंसे कि क्या ही बता नहीं सकेगा, एक भिखारी जैसा, एक जोगी जैसा आया। लेकिन जब इनकी विद्वता को जब उन्होंने सभा को संबोधित किया और जब भाइयों एवं बहनों जेंटलमैन के नाम से संबोधित किया, उन्होंने तालियां बजने लगी और सभी लोगों के मन में, जितने पूरे विश्व के लोग आए थे, सभी के मन में खुशी आ गई।